एक कॉन्सर्ट ग्राउंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग। एक ऑटो स्केलिंग में क्या है, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया उससे क्वेश्चन है कि ऑटो स्केलिंग में जो फर्स्ट है कि गूगल ने ओमान विजन सेलेक्ट किया है एशियन यूजर्स के लिए, ठीक है। एशियन यूजर्स का बिहेवियर देखता है कि यहाँ पे डेढ़ टाइम पे रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा हिट होती है, अगर पाकिस्तान से हिट हो रही है, इंडिया से हिट हो रही है, ठीक है। तो वो देखता है कि मेरा जो एक सर्वर है उसकी हाईली कैपेसिटी, उसकी हाईली कैपेसिटी 5000 यूजर्स को हैंडल करने की, एक सर्वर 5000 यूजर हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो उसने अपने पूरे टेबल के अंदर ड्रॉ किया होता है कि मैंने ये जो इसका टेबल है ये 100 या 200 सर्वर चला सकता है। एक सर्वर कितने यूजर कॉम्पिट कर रहा है, 5000। अब मैंने उस टेबल के अंदर ड्रॉप किया तो मैं 100 सर्वर इसमें चलेंगे एट ए टाइम, कितने सर्वर चलेंगे, 100 सर्वर चलेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह बात होती है नाइट में ऑफ कोर्स के हिट कम है, रिक्वेस्ट कम आ रही है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग का फीचर ऐसा है वो ऑटोमेटिकली सर्वर बंद होने शुरू होते हैं, ऑटोमेटिकली सर्वर शटडाउन होने शुरू होते हैं जैसे डेढ़ टाइम पे आपका लोड इंक्रीज होता है, लोड इंक्रीज होता है बस ज्यादा नहीं शुरू होती है। एक सर्वर की एनर्जी 5000 पर दूसरा सर्वर रिक्वेस्ट भेज जाती है और हो गया, दूसरा सर्वर 5000, तीसरे सर्वर रिक्वेस्ट भेज जाती है और हो गया 5000। ये पावर सेम मोड पे और पावर सेम मोड पे चले जाते हैं, स्लीप मोड में सर्वर हिट हो जाता है, शुरू हो जाते हैं टर्मिनेट शट डाउन नहीं होता, टर्मिनेट होता है, शट डाउन नहीं होता, टर्मिनेट वही पावर सेम मोड पे चला जाता है, सर्वर डिलीट होता है। कुछ ना रूल्स डिफाइन होते हैं, रूल्स पहले डिफाइन होते हैं कि उस लिंक को कम्यूनिकेट किया जाता है जिसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी इंक्लूड होती है कि इसमें कितने यूजर्स को मतलब कितने लिंक्स को कम्यूनिकेट करेगा। सेकंड चीज उसमें ये इंक्लूड होती है इसका जो CPU है, इसका CPU अगर 70% से फिट करेगा तो कितनी देर तक इसमें वेट करना है, ठीक है। अगर वो वेट करता है टू मिनट तक अगर उसका CPU 70% तक फिट वो कम्यूनिकेट करता है, क्योंकि नॉर्मली रैम आपकी हिट होती है, CPU हिट नहीं होता। CPU उस वक्त हिट होता है जब आपका जो है लिंक डिस्टर्ब होना शुरू होता है, उस वक्त CPU इंक्रीज होना शुरू होता है। नॉर्मल आपका जो है रैम कॉम्प्रोमाइज होती है, नॉर्मल आपकी रैम कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। तो जब CPU और रैम उसमें दोनों चीज़ें काउंट होती है, ठीक है। लेकिन पहले वो प्रायोरिटी देता है जिसको प्रायोरिटी रैम में देता है, रॉम में देता है, रैम अगर फुल की हो जाती है तो फिर भी वो वेट करता है, ठीक है।